नमस्कार, आप देख रहे हैं निजाना न्यूज़। में शेखर और कला का स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। यातायात पुलिस ने शुरू की चालानी कार्रवाई, जिसके चलते आज तीन वाहनों की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि शहर में दौड़ रहे बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों एवं ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है, जिसके चलते ये चालानी कार्रवाई दोबारा से शुरू की गई। स्कूलों में जाने वाली गाड़ियां ओवरलोड होकर जाती हैं, जिनसे बच्चों को ज्यादा ज्यादा मात्रा में बैठाया जाता है, उन पर भी आज चालानी कार्रवाई की गई। यातायात थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि ऐसे किसी वाहन को बख्शा नहीं जाएगा जो बिना नंबर प्लेट के चल रहा हो या फिर ओवरलोड किया गया। चालानी कार्रवाई में यह है, एक तो बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ियां हैं ना, उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं चलेगी जिसमें नंबर नहीं हो। अगर नंबर है तो उसका विधिवत नंबर प्लेट लगवाएं है। कुछ लोग क्या करते हैं, नंबर प्लेट नहीं लगाते रजिस्ट्रेशन आने के बाद, उनके खिलाफ कार्रवाई है। दूसरी कार्रवाई जो स्कूली ओवरलोड वाहन है, यह ऑटो है, मैजिक है, उनकी क्षमता है पाँच बच्चे, छः बच्चे या सात बच्चे, लेकिन वो लोग दस बच्चे, बारह बच्चे भर के चला रहे हैं, तो इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और बच्चों को भी परेशानी होती है, तो इस संबंध में भी उनके खिलाफ भी ओवरलोडिंग में कार्रवाई की। रोटरी क्लब गुना द्वारा आज की गई वृद्धों की सेवा, साथ ही उनके नेत्र परीक्षण भी कराए। रोटरी क्लब गुना सिटी के द्वारा आज वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां से सभी वृद्धों को सर्वप्रथम कैंट स्थित हनुमान जी के मंदिर पर ले जाया गया, जिसके बाद रोटरी भवन में लाकर उनके नेत्रों का परीक्षण कराया गया। आंखों की जाँच के अलावा मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी कराए गए। नेत्र विशेषज्ञ आनंदपुर ट्रस्ट से बुलवाए गए थे। कॉलेज में दाखिले के लिए रह गए छात्रों के लिए प्रयासरत डीएसओ आखिरकार जीत गया। उसके आगे प्रशासन भी नतमस्तक हो गया। विगत कई दिनों से प्रयासरत डीएसओ के कार्यकर्ताओं का आंदोलन आखिरकार जीत गया। प्रवेश से वंचित छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे डीएसओ की आवाज के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना ही पड़ा। शेष रह गए सभी छात्रों के दाखिलों की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की गई। 20 तारीख से 24 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी छात्र छात्रा दाखिले से रह गए हैं, उन्हें फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 24 तारीख रहेगी। कॉलेज में जो फार्म दिए जा रहे हैं अभी, जो मतलब पहला राउंड जो सीएलसी थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रवेश से वंचित हो गए थे। हमारे गुना महाविद्यालय में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस प्रक्रिया एडमिशन से वंचित हो रहे थे, तो उसी को लेकर स्टूडेंट ने भी आंदोलन चलाया। उसी के परिणाम स्वरूप है कि दूसरी सीएलसी प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये 20 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुए और 20 से 24 तक जब स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, वो कॉलेज में आकर रजिस्ट्रेशन और अपना फॉर्म सत्यापित करा सकते हैं। उसके बाद 27 और 28 दो दिन उनको सीएलसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें ऐसे छात्र जिन्होंने 12th में कॉमर्स, मैथ, साइंस लिया है, वो अपना बीएससी और बीकॉम में भी करा सकते हैं, जिन्होंने बीए में करा लिया था, तो उनको मौका दिया जाएगा। 29 तारीख को इसकी सूची जारी की जाएगी, तो 30-31 को फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। इस बार ईद पर होगी परिवार के सदस्य के कुर्बानी। जी हाँ, सुनने में आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन इस बार बकरे की कुर्बानी फहीम अंसारी देने जा रहे हैं। ये बकरा नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार का एक सदस्य है। आपको बता दें कि जिस बकरे को परिवार के सदस्य की तरह पाला पोसा हो, जिसका खान पान, रहन सहन परिवार के सदस्यों के मुकाबले
उनसे ज्यादा खास किया गया हो वह बकरा परिवार का सदस्य ही माना जाए। बकरे के मालिक फाहिम अंसारी ने हमसे बात करते हुए बताया कि उनका बकरा हमेशा एयर कंडीशन रूम में ही रहता है, यदि इस एसी को बंद कर दिया जाए तो बकरे को घबराहट होने लगती है। वहीं इनके खाने पीने के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि सुबह उठकर सबसे पहले आधा किलो दूध दिया जाता है, जिसके साथ चने और जौ के साथ नाश्ता कराया जाता है। वहीं उसकी सेहत का खास ख्याल भी रखते हुए दिन भर में उसे कई बार काजू बादाम किशमिश अखरोट परोसे जाते हैं। वहीं खूबसूरती की बात की जाए तो शायद ही जिले भर में ऐसा कोई बकरा होगा जिसकी खूबसूरती इसके मुकाबले होगी। बहुत खास है, सुबह उठ के आधा किलो तो पहले दूध पीता है, उसके बाद भीगे हुए जो गेहूँ वगैरह ये सब खाता है चने, ठीक है। उसके बाद अपन इसको देखते हैं, अभी आप वीडियो देखेंगे, इसको काजू बादाम से भी शाम तक नाश्ता वगैरह कराया जाता है, तो इसका खान पीन तो अलग से ही रहा है बिल्कुल। हाँ, ये आप देख लीजिए रूम में एसी चल रहा है, तो एसी के ही कॉर्नर पे रूम के कॉर्नर पे बैठता है, एसी चलता रहेगा तो ये रूम के कॉर्नर से नहीं हटेगा बिल्कुल। थोड़ा ऐसा लगेगा कुर्बानी तक, लेकिन क्या है ये परंपरा चली आ रही, तो इस परंपरा को तो हमें आगे बढ़ाना ही है, लेकिन हमने इस बचपन से पाला है तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही सही। करोड़ों की बिल्डिंग बनकर रह गई महज पीक दान। जी हां, बात कर रहे हैं नवीन कलेक्ट्रेट भवन की, जिसकी लागत करोड़ों रुपया है। बहुत ही सुंदर इमारत बना के तैयार करने के बाद भी यहाँ पर दीवारों पर रंगी हुई है केवल पीक, लोग यहाँ पर थूकने से बाज नहीं आते। ऐसा कोई कोना शायद ही बचा होगा जहाँ पर लोगों ने पान खाकर थूका ना हो। जगह जगह चप्पे चप्पे पे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी व्यक्ति पे थूकने के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि लोगों को इसमें शर्म भी महसूस नहीं होती कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है उस पे भी लोग थूक रहे हैं। इंतजार रहेगा जिले के मुखिया के कार्रवाई करने का कि कैसे वो इन लोगों से निपटते हैं और क्या कार्रवाई इन दीवारों को गंदा करने वालों पर करते हैं। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं होगी। हनुमान चौराहे पर लगी यातायात की बस्तियों को पार करने पर यातायात पुलिस कसेगी शिकंजा। हनुमान चौराहे स्थित ट्रैफिक लाइट को पार करने वालों पर अब सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। वहीं जो भी व्यक्ति इन लाल बत्तियों को क्रॉस करता है उसके घर पे चालान भिजवा दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी यातायात पुलिस ने कर ली है।
जनसुनवाई में आज एक महिला पहुंची जिसने पुलिस के ऊपर लगाए कई गंभीर आरोप। बता दें कि महिला के पति का कुछ समय पहले जहरीले पदार्थ खाने से आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वही महिला ने बताया कि उसकी एक छोटी बच्ची भी है और शादी हुए महज 4 वर्ष हुए हैं। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष ने उसके पति को मरणासन्न कथन नहीं होने दिए। महिला ने आरोप लगाए हैं कि जब वो थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचती है तो पुलिस अधिकारी उससे असभ्य भाषा में बात करते हैं। ये 4 साल से हम दोनों ने साथ में रहते थे, अपनी पसंद की शादी की थी हमने, तो माँ बाप से नहीं हिस्सा मांगने गए थे मेरे पति। दवा भी उनने जहर खा लिया, क्योंकि दादी का नाम मकान था, तो कहले कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी की, हम तुझे नहीं देंगे जमीन, तो नहीं देंगे। सरपंच की गोली खा ली, 3.5 साल की लड़की है, और जब बयान दिए थे तब कोई ना तहसीलदार नहीं था। उन्होंने पूछा दीवान ने क्यों खाया, तो मैंने घर वालों को जमीन के चक्कर में खाया, जमीन नहीं दे रहे मेरे रहने के लिए, जगह नहीं दे रहे, नहीं देंगे तो दोबारा खा लूँगा। तो पूछा कि ये कौन है, मेरी पत्नी है, ये कौन है, मेरे 3.5 साल की लड़की लड़का है। मोबाइल नंबर दिया, दोबारा चिल्ला चिल्ला के अपना नाम बताया, तब तहसीलदार साहब ने, अब तहसीलदार के साहब कहना है कि ये बयान देंगे। उनने मेरे ससुराल वालों ने पैसे भर दिए, बस एक बार मुझे कोतवाली में बुला था गेट में बयान लेने के लिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। आपकी शादी कितने साल पहले हुई? 4 साल हो गए। 4 साल? हाँ, 3.5 साल की लड़की है उसी की। तो आपने शादी कहाँ से की थी? कोर्ट से करी। उसके आपके पास कागज वगैरह? कागज हैं, पहले वाले कागज मेरे सासू सन ने पढ़वा दिए थे, तो मैंने लॉन्ड्री निकलाई तो कहने लगे ये लॉन्ड्री नहीं चलेगी। इसके बाद कहने लगे आपका पति खत्म हो गया, कौन कहेगा ये लड़की उसकी है। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं पुलिस पर। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी ये समस्या मेरी लड़की का साथ दिल बाप मेरे को जो घर पर साथ मिलती है वो भी निकले, क्योंकि राशन कार्ड नहीं कुछ नहीं मिल, किराए से रहती। तो बयान दिए थे कि बयान पलटती है? जब तहसीलदार नहीं थे मेरे आदमी ने बयान दिए, मेरे बच्चे थे, मैं थी, मेरी सास थी। कुमराज तहसील में ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान की भूमि पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने सरपंच से भी की, लेकिन न जाने क्यों सरपंच भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो जब से गांव बसा है तब से वे मृत शरीरों को उसी शमशान घाट में जलाया जा रहा है जिस पर वे व्यक्ति कब्जा कर रहा है। उसने क्या कुछ बना लिया क्या? अभी कुछ नहीं बना। तो आप बनाने जाते हो क्या बोलता है सरपंच? हमसे जब बोल रहा है तुम जगह बताओ, मरघट साला बनाओ। जगह क्या सरकारी है क्या? सरकारी जगह 50 साल से हमारा गांव बसा, जब से हमें जला रहा है, जब से जला रहे हैं तो नहीं बनाने दे रहा। नहीं बनाने। फसल की बिक्री होने के बाद भी किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचने से आज किसान पहुंचा आज सोसाइटी कार्यालय। गजनई के रहने वाले इस किसान ने हमें बताया अपनी पीड़ा। उसने बताया कि उसकी मां कैंसर से पीड़ित है और भोपाल में उसका इलाज चल रहा है, जिसमें काफी पैसा खर्च हो रहा है। किसान के पास इतना भी पैसा नहीं कि अपनी माँ की दवाइयां भी ला सके। वहीं किसान की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जब भी वह सोसाइटी कार्यालय पहुंचता है तो उसे आश्वासन दे दिया जाता है कि तुम्हारा काम 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी 4 महीने से ऊपर बीत गए हैं, उसके खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। वहीं किसान ने यह भी कहा कि यदि उसका पैसा जल्दी नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगा। इसके साथ ही हमें दूसरा एक किसान मिला जो खुद पेट की परेशानी से पीड़ित था और कई दिनों से चक्कर काट रहा है, लेकिन चक्कर काटने के बाद भी उसका पैसा उसके खाते में नहीं आया। जब हमने खाद्य अधिकारी से बात करना चाही तो वे हमें ऑफिस में नहीं मिले। सरकार ने इतनी अच्छी योजना चलाकर किसानों को फायदा देने की बात कही थी, लेकिन वे सभी केवल भाषण और कागजों में ही सिमट कर रह गई है। यहाँ बात सिर्फ इन 2 किसानों की नहीं है, ऐसे कई और किसान हैं जिनके खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है और उनकी स्थिति
दयनीय होती जा रही है। ऐसा नहीं है साहब, अभी 3 महीने हुए, पेट में गांठ पड़ रही, इलाज कराना है। पेट में गांठ पड़ रही, इलाज कराना है। 3 महीने हुए, पैसे नहीं है, रोज चक्कर लगा रहे हैं, दुकान छुड़का रहे हैं, गाँव दिन जरा से। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? क्या बोल रहे हैं, कह जाए अभी तो महीना का बच्चा बोल रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको बेचे? 3 महीने। क्या फसल थी आपकी? चने 1,03,000 की थी साहब, 400। हमें ये तकलीफ है साहब कि मेरी बेतारी है भोपाल भर्ती, पैसा मौका एक नहीं है। क्या हो गया? चना डाला, कैंसर है उसके बाद। और नेहरू जी के अस्पताल भोपाल में भर्ती है, अब वो पैसा मुँह अब मैं कहाँ से देता हूँ? अब मैं तो क्या करूँ फिर, पैसा मौका है नहीं, आत्महत्या करूँगा फिर। मान मैं तारी मारे, मैं मरू, बाप मारे, पूरा परिवार हरी साहब मैंने जा कह रहे हैं कि 2 से 8 का नाम भिजवा रहे हैं हम। 6 बार फिर गए? 3-4 बार। बीनागंज में कल ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों पर हैं। बिगनीपुरा बड़ली स्थित ईदगाह पर नगर पंचायत चाचोड़ा बीनागंज की ओर से सफाई कर्मचारियों ने आज सफाई अभियान चलाकर पूरी बड़ली एवं बीनागंज में आने वाले रास्तों की सफाई कर दी, साथ ही किनारों पर चूनी भी छिड़कवा दी है। बीनागंज में ईदगाह तक का कच्चा रास्ता होने के कारण कल मौसम खराब होने पर सफाई कर्मचारी वहां सफाई करने में अक्षम रहेंगे, इसलिए नमाजियों को कठिनाई न हो इसको देखते हुए आज ही सफाई कर दी। प्रमाण पत्र मिले समझा दी, चल जल्दी बोलो, टन 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 आ जा। 12 बार तुझे कहा मीडिया है? बीनागंज से हमारे सहयोगी आरके शर्मा की रिपोर्ट। आपदा राहत बचाव दल के ऑफिसर लोकेंद्र चौहान की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। केरल में बाढ़ के हालात से नुकसान के जनहानि को देखते हुए आपदा राहत बचाव दल के ऑफिसर लोकेंद्र सिंह चौहान ने नदी में बढ़ते पानी के बहाव को देखते हुए नदी के दूसरे छोर पर आगे आकर यात्रियों को रोका और पानी के बहाव को कम होने तक उन्हें वहां से निकालने की सलाह दी। साथ ही राहत बचाव कार्य के लिए उपकरण लेकर भी पहुंचे। दरनादा थाने के पास वाले रपटे पर तेज वर्षा के आते ही उसमें पानी ऊपर से बहने लगता है, जिससे कभी कभार पानी बहुत तेजी से भी निकलता है। पास ही में थाना होने से लोकेंद्र सिंह चौहान हरदम चौकन्ने भी रहते हैं। पार्वती नदी के किनारे सरवतपुरा, चांदाखेड़ी, बमोरी, भुलाए, कलवापुरा, ककवासा में जाकर बाढ़ से बचाव के प्रयोगों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कामखेड़ा बालाजी जाना हुआ सफल। कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह और रावगढ़ के वर्तमान विधायक जयवर्धन सिंह सहित हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता कल अच्छी वर्षा के लिए चाचोड़ा बीनागंज नगरी से कामखेड़ा बालाजी धाम के लिए पैदल रवाना हुए थे। उनके 1 घंटे बाद ही चाचोड़ा बीनागंज नगरी में झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे किसानों को काफी राहत भी मिली। चाचोड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। उमरी के राजा प्रतिपाल सिंह की तरफ से कावड़ियों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया।
आज केदारनाथ धाम से निकाली गई कांवड़ यात्रा जो उमरी किला मंदिर पर आके समाप्त हुई, जिसके बाद कांवड़ियों को उमरी राजा प्रतिपाल सिंह एवं उनके बेटे रणविजय सिंह की तरफ से भोजन प्रसादी करवाई गई, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी शामिल रहे। इस भोज प्रसादी में 3 से 4 हजार लोगों ने भोजन किया। डीजे में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।